हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एलसी गेमिंग। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 4v4 फाइट एनालिसिस, जो कि हुआ था FFAC में, टीम इलीट वर्सेस टीम हॉटस्पॉट, जो कि टीम इलीट इंडिया की और टीम हॉटस्पॉट पाकिस्तान की है। तो भाई, जिसने भी मतलब मेरा वीडियो नहीं देखा टीम हॉटस्पॉट एनालिसिस, पहले वो देख के आ जाओ, तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ जाएगा, थोड़ा मतलब आसानी होगी वीडियो समझने में। अब मैंने हॉटस्पॉट स्पॉट का जब एनालिसिस किया था, तो मैंने बोला था कि टीम इलीट और हॉटस्पॉट स्पॉट का कलहारी में ड्रॉप लोकेशन सेम है, काउंसिल हॉल में, ठीक है। तो भाई, दोनों टीम की फाइट हुई थी 5th मैच में, और भाई जो सेकंड मैच था कलहारी, उसमें मतलब क्या हो गया था कि जो हॉटस्पॉट स्पॉट थी उन मतलब फर्स्ट मैच में 12th पोजीशन पे एलिमिनेट हो गई थी। तो भाई वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए भाई वो लोग चले गए थे सेंट कैटरीना। उनको पता है कि काउंसिल हॉल पे टीम इलीट आएगी और उनकी फाइट हुई, तो भाई अगर बंदे गए तो भाई सेकंड मैच ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भाई सेकंड मैच में वो लोग फाइट नहीं लेते हैं, तो सेकंड मैच में सेंट कैटरीना जाते हैं। बट 5th मैच में दुनिया वो सोचते हैं कि चलो फाइट लेते हैं टीम इलीट। तो भाई, प्लेन जो जा रहा था सेंटर से, मतलब कंपाउंड पोस्ट के ऊपर से, मतलब सेंटर से जा रहा था, मतलब कोई भी टीम को अपने ड्रॉप लोकेशन पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। तो टीम इलीट और हॉटस्पॉट ने एक ही मतलब काउंसिल हॉल पे उतर गए थे। अब देखो भाई, जो इवो डिवाइन है वो उतर जाती है बाय फ्रंट पे, जो कि आगे चल के दोनों टीम के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। अब देखो भाई, टीम इलीट जो है वो काउंसिल हॉल पे उतर जाती है और वहाँ पे अपना लूटिंग स्टार्ट कर देती है। जो हॉटस्पॉट है वो नीचे में छोटे मोटे जो घर रहते हैं वहाँ पे अपना लूट करती है, और फिर उन्हें तो पता है कि बंदे आ गए हैं। तो टीम इलीट भी जैसे ही मतलब लूट करती है, सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। आईडीपी ऊपर चल जाता है, आपको पता ही होगा, एक ऊपर में जगह रहती है काउंसिल हॉल पे। और हॉटस्पॉट को भी पता कि बंदे थे, तो भाई उन लोग ने मतलब जो माउंटेन्स रहते हैं वहाँ पे अपना कवर ले लिया था। जो काउंसिल हॉल के सामने के जो दो घर है वहाँ पे हस्सू और अनास आते हैं टीम को स्पॉट करने, और जो उनके दो मेंबर है वो पीछे से फ्लैंक करके आते हैं। वाइकॉनिक उनको स्पॉट कर लेता है और वहाँ पे हसू को डाउन भी कर देता है, बट जो अनास है भाई उसको रिवाइव दे देता है। और जो मैंने बोला था, दो बंदे जो फ्लैंक करके आते हैं वहाँ से आइकॉनिक को डाउन कर देते हैं और आइकॉनिक को पूरा फिनिश ऑफ भी कर देते हैं। लेकिन पहाड़ी जो था वो भी कवर देने आया था, और किलर भी ऊपर था और आरडीपी भी ऊपर था, वो भी कवर दे रहे थे। अब भाई आइकॉनिक ने जब एक बंदा डाउन किया होगा तो उन्होंने पहाड़ी को कॉल किया होगा, बट उस समय तक नॉक हो गए थे आइकॉनिक। तो फिर पहाड़ी भाई ने मतलब बचाने गए थे, तो भाई जो उधर से दो बंदे फ्लैंक करके आ रहे थे उसमें से इब्रार जो था उन्होंने 165 का हेड मारा भाई पहाड़ी भाई हॉग से। लेकिन भाई अपने पहाड़ी भाई भी कम नहीं है, AC-80 से उन्होंने भी एक वन टैप मार के डाउन कर दिया था। तो भाई पहाड़ी भाई एक बंदे को डाउन करके ग्लूवर लगाता है, बट वो पीछे ध्यान नहीं देता और भाई पीछे से अनाज भाई उनको डाउन कर देते हैं, और उनको मतलब कवर नहीं मिल पाता है किलर और आरडीपी का, बिकॉज मैंने बोला था भाई वो घर के पीछे कवर लेके मार रहे थे बंदों को। तो यहाँ पे शुरुआत में ही मतलब टीम लीड ने अपने दो बंदे गवा दिए थे। इसी का फाइट वाइट देखते भाई मतलब वो किलर था वो ऊपर से आके उन सामने वाले घर में जाके बैठ गया था। बोला था जब प्लेन में सब अपने अपने ड्रॉप लोकेशन पे जा रहे थे, तो भाई इवो डिवाइन जो थी जो बाय फ्रंट पे जाती है। अब उस टीम को पता होगा कि भाई ये दोनों का ड्रॉप लोकेशन सेम है और फाइट होगी तो हम थर्ड पार्टी जरूर करेंगे, और यही होता है भाई, पीछे से आके वो लोग थर्ड पार्टी कर देते हैं। और हॉटस्पॉट को उन टीम लीड के दो बंदे भी पता था, भाई किलर भी कवर दे रहा था और भाई आईडीपी भी कवर दे रहा था, तो भाई दोनों के फायर साउंड से मतलब पता चल गया होगा कि बंदे किधर है। और अब हम लोग मैप देखेंगे, तो भाई ईवोस के जो बंदे हैं वो दो दो में स्प्लिट हो जाते हैं। उनको पता था कि अभी भी एक टीम एलिमिनेट नहीं हुई है और आरडीपी ऊपर से कवर दे रहा था, तो भाई इसलिए दो बंदे उधर आरडीपी पे नज़र रखे थे और दो बंदे जो थे पूरे हॉटस्पॉट पे नज़र रखे थे। भाई हॉटस्पॉट को पता नहीं था भाई उनके पीछे बंदे हैं। हॉटस्पॉट के तीन बंदे जो है वो मतलब किलर पे भूखे शेर जैसे कूद जाते हैं, मतलब तीनों नेडिंग वेडिंग करने लगते हैं, और एक उनका प्लेयर जो सिक्का है वो उनको कवर देता था, क्योंकि आरडीपी भी ऊपर से किलर को बचाने की फुल ट्राई करेगा ही। और इतने फायर के साउंड से मतलब ईवो डिवाइन को पता चल गया था कि कितने बंदे कहाँ पे हैं। और वहाँ पे जो ईवो डिवाइन थी वो पूरा फाइट ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब जैसे ही एक नॉक निकले वो सीधा रस मार देंगे बंदों पे। ईवो डिवाइन जो है अपना एक बंदा बुला लेता है, मतलब 2v2 में स्प्लिट थे तो भाई एक बंदे को बुला लेते हैं, 3-1 स्प्लिट हो जाते हैं। अब जो सिक्का था भाई वो अपनी टीम को कवर दे रहा था, बट जो अपने किलर है उसने डाउन कर दिया था वो। भाई ईवोस दीवान के अगर आप देखो तो भाई वहाँ पे दो बंदे पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई सिक्का डाउन हो चुका है और एक बंदा उनको रिवाइव देना जरूर जाएगा। तो यहीं पे उन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया, मतलब एक बंदे को, एक बंदा जो है मतलब ईवोस दीवान का एक बंदे ने भाई किलर को नेडिंग से डाउन कर दिया, और हॉटस्पॉट का तो एक बंदा डाउन था और एक बंदा रिवाइव देने जा रहा था, बस यहीं पर उन्होंने देख लिया। और इस और आरडीपी पे भी इन्होंने नज़र रखी थी, मैंने बोला था 3-1 में स्प्लिट हुए हैं, तो एक बंदा जो था वो आरडीपी पे ध्यान रख रहा था। अब और भाई क्या चाहिए था भाई, 3v2 फाइट, और यहीं पे भाई मतलब हॉटस्पॉट की वहीं पे तो कमर तोड़ दी गई और ईवो डिवाइन ने हॉटस्पॉट के दो बंदे डाउन कर दिए, और ईवो डिवाइन ने भी अपने चौथे प्लेयर को बुला लिया। और भाई आरडीपी ने देखा कि भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया, तो भाई और कोई प्लेयर भी नहीं बचा, तो वहाँ से बैक ऑफ कर लेता है। और जो भाई अपने सिक्का और हस्सू भाई है उनको पता चल गया था कि भाई थर्ड पार्टी हो गई है, तो वहाँ से वो लोग भी बैक ऑफ कर लेते हैं। बट ईवो डिवाइन ऐसे ही नहीं चाहते थे भाई, अब फ्री के किल मिल रहे हैं भाई, 2v4 फाइट, और दोनों की HP बहुत लो थी और भाई लूट भी अच्छी नहीं हुई थी हॉटस्पॉट की,
क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला था भाई वो नीचे के छोटे मोटे घर लूटे, तो भाई कितनी लूट होगी आपकी। तो वहाँ से वो लोग भागने लगे, फिर इवोस डिवाइन भी उनका पीछा करने लगती है और इवोस डिवाइन के मिस्टर 05 सिक्का को डाउन कर देते हैं, और हसू और IDP जो भी अपने टीम के लिए प्लेसमेंट करना चाहते थे भाई दोनों निकल जाते हैं। और भाई इवोस डिवाइन का सबसे फनी मोमेंट मुझे ये लगा कि जो मिस्टर 05 था, मतलब भाई देख के भी मतलब लगभग धक्का कर दिया था भाई उसने, कि हसू भाई भी सामने से जा रहा था बट उसने थोड़ा सा मतलब देरी कर दिया, उसने देख नहीं पाया वरना पूरे टीम को एलिमिनेट कर सकते था वो। तो गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, अगर इवोस डिवाइन थर्ड पार्टी नहीं करती तो भाई दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतती। और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और हाँ सबसे मेन यार, चैनल पे न्यू तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अपन 2K के बहुत पास में है और 2K पे अपन एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, तो गाइज जल्दी से जल्दी 2K करवा दो।